बच्चों वेलकम टू केके साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के। तो बच्चों इससे पहले भी मैंने जो है एनसीईआरटी के जितने भी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और उसी वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम जो भी है पीवाईक्यू के आप उसको भी एक बार समझा दीजिए। तो मैं हर बच्चे का ख्याल रखता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो जो बच्चे बच्चे आप देखना चाहो बेटा बाकी के वीडियो भी जाके जरूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया है कि किसी बुक से बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू वाले मैंने जो है फोटो ले रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं अमाइंस वाले टॉपिक के क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं तो यहीं से शुरू करता हूं। एक बुक था जिसका क्वेश्चन नंबर था ये 73, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चा क्या है क्वेश्चन 73 में, अ कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कंपाउंड बी C6H7N। देखो बेटा कंपाउंड ए था उस पर उसने FeHCl के साथ जो है रिडक्शन करने के बाद दे रहा है कंपाउंड बी जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा C6H7N C6H7N। फिर कह रखा है द कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन विथ CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस एन स्मेल ऑफ कार्बाइल अमाइन, ठीक है। इस पर बच्चों क्या कर रखा है कि CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH देने से मिल रहा है फॉल स्मेल, ठीक है। यहां पे मिल रहा है हमारा कार्बाइल अमाइन, ठीक है, ये मिल रहा है कार्बाइल अमाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। तो आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी क्या है। तो बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, देखो देखो जब भी हमें FeHCl या फिर SnHCl दे देगा और कहेगा कि इससे मिल रहा है अमाइंस, ठीक है। दूसरी बात बच्चों यहां से मेन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है, देखो अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कोई अगर कार्बाइल अमाइन दे रहा है इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा NH2 ग्रुप तो पक्का होगा, तभी वो कार्बाइल अमाइन देता है। अब देखो बच्चों अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से अगर आप N ले लेते हो दो हाइड्रोजन ले लेते हो बचा क्या हमारा C6H5, है ना। इसका मतलब हमें पता चल गया कि B क्या है हमारा एनिलीन। अब देखो B जो एनिलीन है वो रिडक्शन किससे फॉर्म हो रहा होगा तो नाइट्रोबेंजीन से, ठीक है बच्चा। तो ये क्या होगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन पे हम लोग FeHCl देंगे तो एनिलीन, और एनिलीन पे जब हम लोग ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है बच्चों इसमें क्या हो जाएगा ये कंपाउंड जो बनेगा C6H5NC, ठीक है बेटा, प्लस KCl प्लस H2 वगैरह साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये कंपाउंड हो गया C, ये कंपाउंड हो गया B और ये कंपाउंड हो गया ये। तो बस इस क्वेश्चन मेन कंसेप्ट यही था कि ये क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ फॉल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन देता है, इससे आपने पता कर लिया किसके पास NH2 ग्रुप है, इससे ये पता चल गया कि ये क्या है हमारा एनिलीन, ठीक है बच्चों, और ये क्या है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ओके बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 75 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO। बेटा ये 75 है उस बुक में क्वेश्चन है, कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7NO। कह रहा है ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH, ठीक है ना, इसको Br2 प्लस KOH के साथ जब हमने हीट किया तो फॉर्म है कंपाउंड बी, तो इससे मिला कंपाउंड बी, ये बेटा हीट का साइन दिया है, ठीक है, ये कंपाउंड मिला हमें बी। और कह रहा है कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेलिंग कंपाउंड सी, ठीक है। तो इस पर बेटा वही चीज है कि जब CHCl3 प्लस KOH देते हैं तो फॉल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है बेटा जो है कंपाउंड सी, ठीक है। अब कह रखा है सी एंड ऑन रिएक्टिंग विथ बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड कंपाउंड सी फॉर्म कंपाउंड डी विच इज सॉलेबल इन अल्कली, ठीक है बेटा। और इस पर बेटा कह रखा है कि हिंजबर्ग रिएजेंट जो होता है हमारा बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl,
उसके साथ रिएक्ट करने के बाद बच्चों जो कंपाउंड बन रहा है वो कह रखा है सॉल्युबल है अल्कली में। मेरे ख्याल से आगे नहीं आ रहा होगा बेटा, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से कह रखा है बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो है बेटा सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल इन अल्कली। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। 1 डिग्री जो कंपाउंड बनाता है हिंजबर्ग रिएजेंट से, 1 डिग्री अमाइन जो बेंजीन इसके साथ बेटा कंपाउंड बनाता है 1 डिग्री अमाइन वो होता है सॉल्युबल इन अल्कली, और 2 डिग्री अमाइन के इसके साथ रिएक्ट बनाता है वो सॉल्युबल इन अल्कली नहीं होता, और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता। तो यहां पर क्लियरली कह रखा है ये सॉल्युबल इन अल्कली है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है यहां पर 1 डिग्री अमाइन होगा। इससे पता चल गया हमें कि ये जो था हमारा कंपाउंड है ना बेटा। बच्चों क्या है कि जो कह रखा है कंपाउंड बी जो है ये बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना रहा है ये एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है ना, ये जो है सॉल्युबल इन अल्कली है, सॉल्युबल इन अल्कली। तो बहुत ही आसान है बेटा। देखो आपको पता है बेटा कि यहां से देखो दो तरीके से पता चल रहा है कि यहां पर क्या है, जो भी कंपाउंड है उसके पास क्या है NH2। पहला तरीका बेटा क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है यहां पर वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट दे रहा है, ठीक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, जिसके पास की NH2 ग्रुप लगा होगा, है ना बेटा, ये हमें पता चल गया। एक दूसरा भी रिएक्शन है ये, देखो बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है 1 डिग्री अमाइन से, और तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है सॉल्युबल इन अल्कली। इससे भी पता चल गया कि बी क्या है हमारा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा कि हमें Br2KOH का कहां पर यूज होता है, यह है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है हमारा, तो जिसमें क्या होता है कि इसके बाद एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल हमारा ये होगा अमाइड ग्रुप, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा CH3 CH2 CONH2, ठीक है बेटा। जिस पर कि अगर आप Br2 और KOH दे देंगे, इस पर अगर आपने दे दिया Br2 KOH तो ये CO पोर्शन हट जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है बच्चों। क्लियर है कि इसके पास 1 डिग्री अमाइन है। अगर आप इस पर क्लोरोफॉर्म देते हो CHCl3 एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप हीट कर देते हो तो क्या मिल जाएगा इसका NC आइसोसाइनाइड, मतलब CH3 CH2 NC, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा फॉल स्मेल, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक दे रखा है रिएक्शन कि इसको जब हमने रिएक्ट किया बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ, है ना बेटा, तो इस पर बेटा जी अगर डालोगे आप बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और Cl, तो क्या होगा बेटा इसका एक Cl इसके साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा NH CH2 CH3। और क्योंकि इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए ये अल्कली में अभी भी सॉल्युबल हो सकता है, तो दिस कंपाउंड जो फॉर्म हुआ बेटा ये क्या होगा सॉल्युबल इन अल्कली, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा हमें क्वेश्चन दे रखा था ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा था और कह रहा था कि जब इस कंपाउंड पर हम लोग Br2KOH के साथ हीट करते हैं तो मिलता है कंपाउंड बी, और बी पर जब क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो फॉल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है सी, ठीक है बेटा। इससे आप लोग को यह पता चल गया कि अगर ये फॉल स्मेलिंग मिल रहा है क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ, इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री अमाइन है जिसके पास क्या होगा NH2 ग्रुप। ये बेटा ये सिंबल के टर्म्स में दे दिया है कि इसके पास NH2 ग्रुप होगा, ये गिवन नहीं है हमें कि यहां NH2 है, ठीक है बेटा। यानी कि इस कंपाउंड बी के पास NH2 ग्रुप था ये हमें पता चल गया। अब बेटा क्या है कि Br2KOH का काम है डिग्रेडेशन करना, मतलब CO मॉलिक्यूल को हटा देना जब कोई अमाइड होता है, ठीक है बेटा। तो ये अब ये देखो मैंने कंपाउंड लिया ये जिसमें कि देखो ये हमारे पास 3 कार्बन थे तो उसके लिए कंपाउंड ले लिया और इस पर Br2KOH किया जिससे क्या बन गया हमारा ये बेटा बना था मॉलिक्यूल CH3CH2NH2। जब हमने बेटा इस पर डाला था ये मॉलिक्यूल पर डाला Br2KOH तो इससे मॉलिक्यूल बना है CH3CH2NH2, मतलब CH3CH2NH2 क्या हो गया बेटा इसको इथेन अमाइन कह सकते हो, और इस पर कह रखा है इसको क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे तो फॉल स्मेल मिला, तो वो हो गया बेटा उसका कार्बाइल अमाइन।
इसके बाद कह रहा बेटा कि ये जो है बेंजीन सल्फ्यूराइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बेटा वो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये बेटा जी हो गया कंपाउंड आपका सी, और ये कंपाउंड आपका बन गया डी, ठीक है बेटा। अगर बेटा ये नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल देता हूं ये है सॉल्युबल इन अल्कली, और ये कंपाउंड बन गया बेटा डी, ठीक है। अब चलते हैं बेटो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बस देखो बच्चों आप लोग केमिकल टेस्ट वाला वीडियो भी बच्चों जाके जरूर देख लेना, इससे क्या होगा कि एक मिल जाता है आप लोग को, एक हिंट मिल जाता है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो किस तरह के कंपाउंड देता है, इससे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में आपको जो है काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये तो हमने 73-75 कर लिया, अब चलते हैं बेटा जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। इस क्वेश्चन बेटा कह रहा है क्वेश्चन में कि एन एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, ये है बेटा फाइव क्वेश्चन नंबर, जिसमें कह रहा है कंपाउंड ए है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी। बेटा जी जब इसका ओजोनोलिसिस हुआ O3 और ZnH2O डालेंगे बेटा तो मिलेगा कंपाउंड बी और सी। अब कह रहा है कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर्म आयरोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ I2N NaOH, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट भी देता है और आयरोफॉर्म टेस्ट भी देता है, ठीक है बेटा। तो जब कोई पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट देता है इसका मतलब एल्डिहाइड है, और आयरोफॉर्म टेस्ट देता है ये कह रहा है NaOH और I2 के साथ है तब, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये देता है आयरोफॉर्म, ठीक है बेटा। अब उसके बाद कह रखा है कि कंपाउंड सी डज नॉट गिव फैलिंग टेस्ट बट फॉर्म आयरोफॉर्म, ठीक है। ये जो है बेटा ये जो है फैलिंग टेस्ट नहीं देता, लेकिन ये भी जो है NaOH और I2 के साथ ये भी आयरोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा ए बी सी डी जितने भी हैं उसको, ठीक है बेटा। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, क्यों कि देखो बेटा आयरोफॉर्म टेस्ट कौन देता है जिसके पास क्या होगा बेटा, तो CH3C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। ये क्लियर होगा बेटा कि जो भी आयरोफॉर्म टेस्ट देगा उसके पास CH3CO होगा, ठीक है। और इसके पास ही बेटा आयरोफॉर्म टेस्ट है तो इसको भी लिख लिया हमने कि CH3CO तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है कि एल्डिहाइड ये कह रखा है कंपाउंड बी जो है ये फैलिंग टेस्ट देता है, इसका मतलब क्या है ये एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में बस एक ही एल्डिहाइड है जिसको एसिटल्डिहाइड कहेंगे या इथेनल, यही आयरोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब हमारा बी कंपाउंड तो फिक्स हो गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो हमारे पास फाइव कार्बन थे उससे दो कार्बन का ये मिल गया, तो अगला मॉलिक्यूल क्या होगा तीन कार्बन का। उसके बाद कह रखा है कि ये जो कंपाउंड है ये फैलिंग टेस्ट नहीं देता है ना, इसका मतलब ये क्या है कीटोन, और कीटोन बेटा तीन कार्बन का क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अगर आपको बेटा रिएक्शन लिखना है इस पर NaOH I2 का NaOH प्लस I2 का, तो क्या होगा बेटा ये जो CH3 होता CO के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है आयरोफॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा येल्लो पीपीटी, ठीक है बेटा। इस पर भी हम लोग बेटा डालेंगे, ठीक है, इस पर भी अगर हम लोग NaOH प्लस अगर I2 डाल देते तो क्या मिल जाता हमें येल्लो पीपीटी, ओके बेटा। अब देखो बेटा जब आपको प्रोडक्ट मिल चुका है तो ओजोनोलिसिस के लिए एल्कीन कौन सा होगा ये निकालना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, दोनों के सी डबल बॉन्ड ओ को आमने सामने रख देते हैं और दोनों में से ऑक्सीजन निकाल के डबल बॉन्ड को चिपका देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा एल्कीन, एक तो बेटा लिख लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा लिख लिया O डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है बेटा। अब क्या काम करना है, ऑक्सीजन को निकाल के डबल बॉन्ड को चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो ये हो गया बेटा कंपाउंड ए।
जिसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारा कंपाउंड जो बी मिलेगा वो ये है हमारा, है ना बेटा, और सी जो मिलेगा हमारा वो ये है। ठीक है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस ध्यान रखना, देखो मैंने कहा बेटा कि केमिकल टेस्ट वाला बेटा वीडियो जाकर आप लोग जरूर देख लेना, वही बेटा बहुत छोटा सा ही वीडियो है, उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का जो केमिकल टेस्ट है वो कवर्ड है, चाहे अमाइंस के हो, एल्डिहाइड कीटोन्स के हो, एल्कोहल फिनोल्स के हो, सबके सब कवर्ड है। उससे बेटा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना आप लोग के लिए ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स में बेटा, सेम क्वेश्चन है इसका, और पार्ट में कर देता हूँ, सिक्स का मैं और पार्ट कर देता हूँ, उसका मेन क्वेश्चन वही है जो एल्कीन वाला था, जब भी किया वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब देखो बेटा इसमें कह रखा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3O2। बेटा जो ए है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2Cl3O2 इज ऑब्टेंड व्हेन बी रिएक्ट्स विथ रेड फास्फोरस एंड Cl2। बेटा कह रखा है कि ये जो मिलता है जब हमने रेड फास्फोरस और Cl2 से रिएक्ट करवाया कंपाउंड बी को। अब कह रहे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी ऑब्टेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कह रखा है बेटा बी जो है हमारा ये उस तरीके से भी मिलता है जब आप CH3MgBr मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl ठीक है ऑब्टेन रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विथ ड्राई आइस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, कह रखा है ये जो बी कंपाउंड है वो बनता है जब इस पर आप जब डालते हो ड्राई आइस मतलब CO2 डालते हो विथ हाइड्रोलिसिस तब मिलता है आपको कंपाउंड बी। ठीक है बेटा, तो आपसे कह रखा आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो आपको बेटा ए और बी के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। ठीक है, और ए से बी जो बना उसका भी रिएक्शन बताओ। फिर कह रखा है गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। फिर बेटा विच विल बी द मोर एसिडिक कंपाउंड ए और बी। ओके बेटा, फिर कह रखा है राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी। ढेर सारा क्वेश्चन है बेटा इसी पर जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा जब भी रेड फास्फोरस और Cl2 वाला रिएक्शन है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन है हमारा HVZ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये HVZ रिएक्शन है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये कौन देता है, तो जिसके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा बेटा वही ये रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, देखो बेटा कार्बन कितने हैं 2 है ना, तो इसका मतलब ये जो होगा मॉलिक्यूल हमारा CH3COOH होगा, हमारा बी कंपाउंड जो होगा बेटा ये होगा, क्योंकि इस पर अगर आप रेड फास्फोरस दोगे उसके प्रेजेंस में Cl2 डालोगे तो बेटा ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन उसके तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और मॉलिक्यूल बन जाएगा CCl3COOH। ठीक है बेटा, तो ये कंपाउंड हो गया हमारा ए। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए कि जो आपका जो कंपाउंड है ये बी वो इस मेथड से भी बनना चाहिए, है ना बेटा, तो हम लोग बेटा एक बार करके दिखाते हैं कि कैसे बी इस तरीके से बन सकता है। ठीक है बेटा, तो वैसे भी देखो बेटा जी CH3MgCl को अगर मैंने CO2 में डाला, ठीक है, ऐसे वैसे लीनियर शेप होता है बेटा, लेकिन आप लोग के हेल्प के लिए मैं ऐसा कर देता हूं। देखो बेटा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, CH3 पे माइनस, MgCl पे प्लस, तो ये बेटा जाएगा यहां, है ना, तो और फिर फाइनली क्या होगा ये चला जाएगा यहां पे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना CH3C(O)(MgCl)। ठीक है बेटा, अगर इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दू, है ना, मतलब H+ और OH दे दू, ठीक है, इस पर बेटा जी अगर मैं H3O+ दे दिया, मतलब बेटा जी इसको दे दिया H और इसको दे दिया OH, ठीक है, तो ये बन जाएगा साथ साथ में MgOH और Cl। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि हाँ ठीक है हमारा जो बी कंपाउंड है वो यही है। ठीक है बेटा, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ये रिएक्शन बेटा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में है। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया कि क्यों ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद बेटा जी कह रहा है कि ये बताओ ए में और बी में, यानी कि हमें यहां देखना चाहिए कि ए और बी में ज्यादा जो है एसिडिक कौन है।
ठीक है बेटा। तो आप लोग को बच्चों पता होगा कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। यानी कि बेटा जी अगर आपको कंपेयर करना हो सी सी एल थ्री सी डबल ओ एच और सी एच थ्री सी डबल ओ एच, तो आपको बेटा पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो है सी एच थ्री प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इससे एसिडिटी कम होगी, और ये सी एल जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, तो दिस वन विल बी मोर एसिडिक, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया बेटा जी क्वेश्चन। अब उसके बाद बेटा जी कह रहा है इसमें से विच विल बी मोर एसिडिक हो गया, राइट डाउन द रिएक्शन। अब बेटा जी ये कह रखा है कि इस रिएक्शन से आपको जो है यानी कि जो मॉलिक्यूल है आपके पास ये, इससे आपको कह रहा है मीथेन बनाना है, ठीक है बेटा। तो इससे मीथेन कैसे बनाएंगे, तो बेटा इसको रब कर देता हूं मैं एक बार। तो देखो बच्चों जब भी आपको मीथेन बनाना होगा दो कार्बन वाले एसिड से मीथेन, इसका मतलब कार्बन कम करना है, तो उसके लिए बेटा रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच है, इस पर अगर मैंने एन ए ओ एच डाला बेटा है ना, तो पहले क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए, है ना। आप एक साथ भी लिख सकते हो बेटा इस रिएक्शन को, सी ए ओ के साथ हीट कर दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा सी एच फोर, ठीक है, प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, और ये रिएक्शन है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमें कार्बन को कम करने के लिए रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया, ओके। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहां पर हमें जो है आपको ध्यान रखना था यही चीज कि एच वी जेड रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा एनसीईआरटी के जितने रिएक्शन है, ठीक है, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेने से काफी हेल्प मिलेगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, इसमें कह रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सी एट एच सिक्स, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सी एट एच सिक्स, ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है बेटा। तो एच जी टू प्लस और एच प्लस, एक तरह से सोच लो बच्चों, ठीक है ना। कह रखा है इसको इससे रिएक्ट करवाने के बाद गिब्स कंपाउंड बी, इससे रिएक्ट करने के बाद बेटा कंपाउंड मिल रहा है बी। अब कह रखा था इस कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेंड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटाइल क्लोराइड। अब कह रहा है बेटा ये जो बी कंपाउंड है वो कह रखा है कि अगर बेंजीन पे अगर आप एसिटाइल क्लोराइड डालते हो, बेंजीन पे बेटा जी एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तब भी हमारा कंपाउंड बी बनता है ना बच्चों। तो बेटा ये तो जानते हो रिएक्शन ये क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसे क्या मिलेगा हमें एसिटोफिनोन, ये क्या बन गया बेटा एसिटोफिनोन, यानी कि यही कंपाउंड बी है हमारा, ठीक है। कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब कह रहा है बी ऑन ट्रीटमेंट विथ आई टू इन एक्वस KOH gives C and a yellow compound D, ठीक है बेटा। अब कह रखा है इस पर जब आप NaOH की जगह पर KOH plus I2 कह दिया बेटा, है ना, तो होगा तो वही आयरोफॉर्म टेस्ट। तो होता है क्या बेटा आयरोफॉर्म टेस्ट में, जो CH3 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट में यहां ONa आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CHI3 जो येल्लो PPT देगा, येल्लो PPT, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस में दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, मैंने कहा सी एस थ्री की जगह पे क्या आ जाएगा ओ एन ए, ठीक है बेटा। तो उसमें से कह रखा है, इसमें से कह रखा है येलो कंपाउंड डी, तो ये कंपाउंड है बेटा डी और ये कंपाउंड है सी, ठीक है बेटा। अब कह रखा है कि बी तो चलो हमारा बन गया है ना, अब कह रहा है बेटा कि ए कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा जब आपने एल्डिहाइड कीटोन को शुरू में पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि एच जी टू प्लस एच प्लस के साथ अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे किसी एल्काइन का, तभी जाकर के हमारा जो है वहां पर कीटोन मिलता था, ठीक है बच्चों। जब बेटा इसमें क्या होता था एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलता था, लेकिन एल्डिहाइड तभी मिल सकता था जब एसिटिलीन होगा, इसके अलावा जब भी एच जी टू प्लस एच प्लस डालोगे तो पक्का कीटोन ही मिलेगा, ठीक है।
तो उसके लिए बेटा जितने कार्बन है उतने कार्बन में देखो बेटा, एक तो होगा बेंजीन रिंग क्योंकि हमें ये लेना है, तो इसका मतलब होगा बेटा कि ये जो हमारा ए कंपाउंड होगा उसके पास होगा बेटा कुछ इस तरह से, दिस विल बी, ठीक है ना बेटा, ये होगा बेटा कंपाउंड ए, ठीक है, क्योंकि इस पर जब बेटा अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो एच जाएगा बेटा इस पर, ओ एच जाएगा इस पर, एक बॉन्ड टूटा फिर से एच इस पर फिर से ओ एच इस पे, तो दो बॉन्ड टूटा है ना बेटा, और फाइनली क्या होगा यहां से दो एच में से एच टू निकाल देंगे तो डबल बॉन्ड ओ ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, तो कंपाउंड ए क्या होगा हमारा ये, ठीक है बेटा। तो ये बेटा था हमारा कंपाउंड, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा सेवेंथ, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसमें और कोई है, ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा जी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने में, एक क्वेश्चन है एन एल्कीन ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नंबर है 55, पहले इसको रब कर देता हूं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे इसमें, तो आप लोग देख लेना बेटा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लेना, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो बेटा जरूर देख लेना, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो बेटा 55 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें कह रहा है एन एल्कीन ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फैलिंग्स टेस्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ आयोडीन। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, वही को वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं। अब 56 क्वेश्चन नंबर जो है बेटा इसमें है ए बी सी आर द थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, आइसोमर ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट वेर एज आइसोमर बी डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट बट गिव्स पॉजिटिव आयरोफॉर्म टेस्ट, आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विथ अमलगमेटेड HCl गिव्स द सेम कंपाउंड डी, देन राइट। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर है 56। इसमें बेटा कह रखा है कि ए बी सी तीनों के तीनों जो है ये है नॉन फंक्शनल जो है आइसोमर है हमारे, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड के, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या क्या चीज कर रहा है, आइसोमर ए जो है एंड आई ए एंड सी गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट है ना बेटा, इसका ये क्या है हमारा ए बी सी, इसमें से कह रहा है बेटा ए और सी जो है ये देता है टॉलरेंस टेस्ट, ये दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है ये टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब क्या है ये एल्डिहाइड है हमारा, है ना, इससे ये क्लियर हो गया कि ये क्या है तो एल्डिहाइड है हमारा, ठीक बेटा। उसके बाद कह रखा है कि आइसोमर बी डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट बट गिव्स पॉजिटिव आयरोफॉर्म टेस्ट, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि जो बी है हमारा, ठीक है, वो क्या है डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब यहां पर क्या होगा बेटा ये कीटोन हो सकता है, ठीक है, और कह रखा है पॉजिटिव आयरोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, है ना बेटा। अब देखो हमारे पास बेटा ये दो तो हो ही गया क्योंकि आयरोफॉर्म टेस्ट ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं बेटा CH2CH3, ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा B, ठीक है। अब उसमें से हमारा जो है आगे क्या कह रहा है, इसमें से कह रखा है कि आइसोमर A एंड B ऑन रिडक्शन विथ, अब देखो बेटा कह रहा है ए और बी जो भी है, तो ए बेटा हम ले लेते हैं कोई एल्डिहाइड ही है ये, तो CH3CH2CH2CHO, ठीक है बेटा, ये ले लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे ए। अब दोनों पे क्या होगा बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन है, ZnHgHCl, ठीक है, ZnHg के साथ अगर हमने HCl लिया बेटा तो क्या होगा ये क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें आपको पता है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो वो रिड्यूस होकर क्या होगा एल्केन बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा CH3CH2CH2CH3, ठीक है बेटा, और ये चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन हो दोनों के साथ हो सकता है ZnHgHCl, ठीक है बेटा, ये दोनों ही दे सकता है, ठीक है बेटा।
तो यही बेटा आपको फाइंड करना था आपसे, आपको कि राइट द स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। उसके बाद कह रखा विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ एचसीएल, ठीक है। इसमें से बेटा कह रखा एल्डिहाइड और कीटोन में एचसीएल से रिएक्टिविटी बेटा किसका कम होगा, है ना। तो देखो बेटा ये भी आपको पता है ना बेटा, कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर देखा जाए, है ना बेटा, देखो एल्डिहाइड की बात करते हैं CH3CH2CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन की बात करते हैं बच्चे CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसमें भी डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस, है ना बेटा। अब देखो जो HCl रिएक्टिविटी में देखना पड़ता है कि किस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा यहां पर जो है दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट दोनों साइड से मिलेगा, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक साइड से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा हमारा, ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा हमारा कि ये क्या है हमारा, ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है बच्चे। तो ये रहा बेटा। अब उसमें से मान लो बेटा ए बी सी कह रहा था ना, तो सी भी कह रहा था कि कोई एल्डिहाइड ही है, तो बेटा हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं चार कार्बन का, है ना। बस ध्यान रखना जैसे कि मान लो CH3CH CH3 कर दिया और एक CHO ले लेंगे, है ना। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको स्ट्रेट चेन ही लेना है ना, तो ये ले लेंगे बेटा हम लोग C, ठीक है। तो वही आइडेंटिफाई करना है ABC के बारे में, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन बेटा ज्यादा कुछ था नहीं, बस मेन कंसेप्ट यही था कि आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन में से कौन देता है टॉलिंस टेस्ट और आयरोफॉर्म टेस्ट का क्या कंडीशन है, ठीक है बच्चों। तो बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म करने की। अब बेटा जी क्वेश्चन है, अब देखो बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें से है क्वेश्चन नंबर 148, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रखा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, ये है कंपाउंड ए, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी, ठीक है बेटा। इसको बेटा जी हीट किया है रेड हॉट कॉपर के साथ तो कंपाउंड मिल रहा है बी। अब क्योंकि कह रहा है बी डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ द कंपाउंड सी विथ I2NNaOH, ठीक है बेटा। तो कह रहा है बेटा कि जो हमारे पास जो भी कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि ये जो बेटा बी है ये कह रहा है डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है बेटा, डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, है ना बेटा। तो अगर मान लो बेटा देखो हमें पास ये कह रखा है कि ये दे रहा है बेटा आयरोफॉर्म टेस्ट दे रहा है NaOH प्लस I2, ठीक है, लेकिन फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा हमारा कीटोन होगा, है ना बेटा। और कह रखा है जो भी कीटोन है उस पर जब NaOH I2 डाल देते हैं तो कंपाउंड मिलता है हमें C जो कि येलो पीपीटी है, ठीक है बेटा। तो बहुत ही बेटा सिंपल है क्वेश्चन, देख लो। अब देखो बच्चों आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा ये चीज कि जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल को रेड हॉट कॉपर से हीट करते हैं तो मिलता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल को रेड हॉट कॉपर से हीट करते हैं तो मिलता है कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल को रेड हॉट कॉपर से हीट करते हैं तो मिलता है एल्कीन, और हमें क्या चाहिए बेटा कीटोन। इसका मतलब ए क्या होगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल मतलब CH3CHOH CH3, दिस इज योर कंपाउंड ए। जब इस पर बेटा जी रेड हॉट कॉपर के साथ हीट करोगे तो मिलेगा कंपाउंड आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना बेटा। ये देखो ये है कीटोन, इसलिए ना तो ये टॉलिंस टेस्ट देगा ना ही फैलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस करेगा, ठीक है बेटा। अब इस पर अगर NaOH और I2 डाल देंगे तो आपको पता ही है कि कोई भी CH3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, है ना बेटा, जिसको आप लोग कहते हो येल्लो, ठीक है ना, PPT, और ये हो गया बेटा कंपाउंड सी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है।
अब बेटा एक 52 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो बेटा इसमें कुछ खास नहीं था, बस क्या है कि आपको कुछ जो एनसीईआरटी के बेसिक रिएक्शंस है वो बेटा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है 52, देखो ये क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। देखो बेटा ये हर एक क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यू का है, ठीक है। तो बेटा जी इस चीज को ध्यान रखना कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आपको। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला, बेटा देखा C5H10O, कोई बेटा कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C5H10O, फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट बट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट व्हेन हीटेड विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है बेटा। और कह रहेगा कंपाउंड एक्स गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, देन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है बेटा। उसके बाद कह रखा है कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP रिएजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेंड व्हेन, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल है, यहां पर बेटा हमें जो कह रखा है कंपाउंड एक्स जो है हमारा ये दे रहा है बेटा जी हमें 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। कंपाउंड एक्स का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये कह रहा है बेटा कि दे रहा है ये 2,4-DNP टेस्ट, है ना बच्चों। ये क्या क्या दे रहा है, ये दे रहा बेटा सबसे पहले दे रहा है ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रखा है कि ये जो है NaOH और I2 के साथ, NaOH प्लस I2 के साथ ये क्या दे रहा है, येल्लो पीपीटी, पीपीटी बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये टॉलिंस टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। इसमें कह रखा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है। तो थर्ड लिखेंगे डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट, डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट। उसके बाद कह रहा है बेटा कि जब हम विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो बेटा ये दो एसिड तभी मिलता है बेटा जब जनरली क्या होता है कीटोन होता है, वो भी सेकेंड पोजीशन पे होगा तब, ठीक है बेटा। वैसे चलते हैं बेटा, देखो आप लोग बेटा पता होगा कि 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये एल्डिहाइड है या फिर क्या है कीटोन है। लेकिन उसने जो है बेटा डज नॉट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट कह दिया, इसका मतलब कीटोन होगा एल्डिहाइड नहीं होगा, है ना बेटा, क्योंकि कीटोन जो है टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। अब बेटा कह रखा है कि ये दे रहा है NaOH और I2 के साथ येल्लो पीपीटी। तो बेटा जैसे ही हमें ये स्टेप मेंशन हो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि मॉलिक्यूल के पास कम से कम जो होगा CH3CO तो होगा ही होगा, है ना बेटा। तो देखो ये तो स्ट्रक्चर होगा ही होगा तभी वो दे रहा है येल्लो पीपीटी, है ना बेटा। तो बाकी के कार्बन कितना बचा, तो देखो CH2 CH2 CH3, है ना बेटा। ये हो गया बेटा हमारा कंपाउंड एक्स, दिस इज योर कंपाउंड एक्स, ठीक है। कंफर्म करने के लिए कि यही है इसका हम लोग विग्रस ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। मान लो बेटा जी हम लोग डाल देते हैं K1O4H+, एसिडिक K1O4 डाल देते हैं, है ना बेटा। तो आपको बेटा बताया था कि वो यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, है ना। तो क्या मिलेगा CH3COOH एंड CH3CH2COOH, है ना बेटा। तो ये मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद कह रखा है कि जो भी कंपाउंड आपका है उसको 2,4-DNP के साथ एक बार रिएक्ट करके भी दिखाओ। तो ठीक है बेटा कर लेते हैं। देखो मॉलिक्यूल था बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इस पर बेटा डाल दिया 2,4-DNP NH2 NH NO2, ठीक है ना, सेकेंड एंड फोर्थ NO2, ठीक है बेटा। ये होता है बेटा 2,4-DNP रिएजेंट, और इस पर बेटा जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा इसका O और इसका H2, ठीक है बेटा, ये निकल जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 C CH2 CH2 CH3,
और डबल बॉन्ड एन एन एच, और बाकी का जो रिंग है बेंजीन के साथ वाला वो हम लगा देंगे सेकेंड पे एनओ टू और फोर पे एनओ टू। ये हो जाता है बेटा 2.4 डायनेट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और ये होता है हाइड्राजीन, और इसका कलर आता है बेटा ऑरेंज रेड। ठीक है बेटा, ऑरेंज रेड इसका कलर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये होगा बेटा जी हमारा ये कंपाउंड। ओके बेटा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कह रहा था कंपाउंड जो है C5H10O, ठीक है ना, वो देता है 2,4-DNP टेस्ट। तो आपने कहा सर या तो फिर एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा, फिर उसमें कह रखा है किसने डज नॉट रिड्यूस टॉलिन सीरेजन, इसने कहा आपने कि चलो फिर तो कीटोन ही होगा क्योंकि एल्डिहाइड टॉलिन सीरेजन को रिड्यूस करता है। फिर कहा NaOH I2 के साथ ये येलो पीपीटी देता है, इसका मतलब आपने कहा सर पक्का है CH3CO तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर बाकी का कितना बचा था मॉलिक्यूल उसको लिख लिया। अब चेक करने के लिए कि यही मॉलिक्यूल है, हमने इसका विग्रस ऑक्सीडेशन किया तो वही प्रोडक्ट मिला जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसका मतलब हमारा सपोजिशन बिल्कुल सही है और यही है हमारा एक्स कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम बेटा, देखो मैंने इसमें केमिकल टेस्ट के लिए भी दे रखा है, एसिडिटी के दे रखा है, रीजनिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो बेटा सबके वीडियो आप लोग देखो बेटा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की हेल्प चाहिए बेटा, ठीक है जैसा कहोगे वैसा मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं और कोई क्वेश्चन होगा। तो ये तो बेटा मैंने कर दिया, और ये है क्वेश्चन नंबर 52 मेरे ख्याल से भी किया है एक्स वाला। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, ये बेटा है क्वेश्चन नंबर है 65, इसके सेकंड पार्ट में है एन एल्कीन विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट, इसका मतलब एल्डिहाइड है, कंपाउंड सी रिएक्ट्स विथ NaOH एंड I2 गिव्स येलो पीपीटी, है ना बेटा सी, तो इसका मतलब बेटा हमने कर रखा है एक है एल्डिहाइड दूसरा है कीटोन, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है बेटा CH3CHO, दूसरा हमने वो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन मिला हमें, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा मेरे ख्याल 67 है या 57 है, प्रिंट कम है क्वेश्चन बेटा, अ कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O, बेटा कंपाउंड ये मान लो बेटा 67 है या 57, इसमें है C2H4 है O, ये है कंपाउंड ए, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी C2H4O2, बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन किया हमने तो मिला कंपाउंड बी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। ठीक है, अब कह रहा है ए अंडरगोज आयडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव येलो पीपीटी एंड रिएक्ट्स विथ HCN टू फॉर्म द कंपाउंड सी, एंड सी ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2-hydroxypropanoic एसिड। ठीक है बेटा, तो कह रखा है ए जो है आयडोफॉर्म टेस्ट जब देता है ये, ठीक है बेटा, उसके बाद कह रखा है कि ए कंपाउंड जो है, ठीक है बेटा देखो, अब ए कंपाउंड जो है बेटा कह रखा है जब NaOH प्लस I2 से रिएक्ट करता है तो ये येलो पीपीटी देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये पक्की बात है कि यहां पर क्या होगा CH3CHO, ये कह रहा है हमारा कि ये दे रहा है येलो पीपीटी, है ना बेटा। फिर कह रखा है कंपाउंड ए, ठीक है बेटा, जो भी कंपाउंड ए है हमारा कह रखा है उस पर जब आप HCN डाल देते हो तो बेटा नया कंपाउंड बनता है, ठीक है, HCN से करने के बाद, और जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद मान लो बेटा उसे कंपाउंड बना हमारा सी, ठीक है ये कंपाउंड बना सी, और कह रखा सी को हाइड्रोलाइज करने के बाद, ठीक है, हमें जो कंपाउंड बना बेटा वो है 2-hydroxypropanoic एसिड, है ना बेटा, हमें जो एसिड मिला है बेटा वो है CH3CHOH CH2C2OH, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक था बेटा, मैंने ब्यूटेनोइक ले लिया, ये है बेटा, कह रखा जो कंपाउंड सी था उस पर जो हाइड्रोलिसिस किया तो ये मिला हमें। ठीक है, तो अब देखो बेटा बिल्कुल हम लोग उल्टा चलते हैं, ठीक है, अब देखो बेटा क्या है कि ये जो हमारा मिला है CH3O+ से, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि
यहां पर जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, ठीक है ना, इसमें बेटा जी सी से मिला होगा हमारा, देखो सीएन से मिला है सी डब्लू एच, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल होगा बेटा CH3CCNOH और CN और H, ये होगा बेटा, क्योंकि इससे ही बेटा ये मिल सकता है इसको। बल्कि मैं ऐसा कर लूं बेटा, देखो ये तो समझ आ गया बेटा, है ना, इसको आप यहां लिखो, ठीक है बेटा। ये जो मॉलिक्यूल अभी लिखा था बेटा, वो कहां पे मिलेगा हमें, यहां सी पर, क्योंकि सी को हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये मिला है, ठीक है बेटा। तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा बेटा, देखो क्योंकि सीएन को जब भी हाइड्रोलाइज करोगे तो सी डबल एच मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने एचसीएन डाला तो मॉलिक्यूल जो बना होगा वो बना होगा CH3C CNOH। तो दिस इज योर कंपाउंड सी, है ना बेटा। तो अब देखो अगर हम HCN डाले तभी तो ये बना, नहीं तो इससे पहले क्या होगा, दो ही कार्बन का होगा ये, ठीक है। तो यानी कि कंपाउंड जो है बेटा हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, है ना, और उस एक का बेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो आप लोग खुद सोचो बेटा कि ये येलो पीपीटी देता है, इसका मतलब क्या होगा कि CH3CO तो देगा ही देगा, उसके पास होगा ही होगा, है ना। तो हमने टू कार्बन ले लिया, थ्री हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले, बचा क्या, एक सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, फिर से बताता हूं। कंपाउंड बेटा दे रहा है येलो पीपीटी, तो आप क्या कहोगे कि फिर तो CH3CO तो होगा ही होगा। तो जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से हमने सबका स्ट्रक्चर लिख लिया, बाकी बचा एक हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है कि ये हो गया हमारा बेटा मॉलिक्यूल ए, ठीक है। और इस पर जब बेटा HCN दे देंगे हम लोग, HCN, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। कब, जब इस पर हम लोग HCN दे देंगे, है ना। क्यों बेटा HCN दे देते, क्या होता है, सी पे आ जाएगा बेटा CN सिंगल बॉन्ड OH, सी पे आता है डेल्टा प्लस, है ना, O पे डेल्टा माइनस, तो यहां आ जाएगा H प्लस, यहां आ जाएगा CN और फाइनली वो बन जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो HCN वाला हो गया बेटा, ठीक है। दूसरी बात, ये देखो आयरोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा, क्योंकि इसके पास CH3CO है, इस पर अगर NaOH I2 डाल देंगे तो क्या होगा बेटा, CH3I बन जाएगा हमारा, ठीक है, जो क्या होगा येलो पीपीटी। ओके बेटा, और कुछ कह रहा है ये तो कह रहा है येलो पीपीटी कर दिया, HCN के साथ बनाया ये कंपाउंड बता दिया। अब देखो बेटा जब भी इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, क्योंकि कह रहा है ऑक्सीडाइज करने के बाद मिलता है बी कंपाउंड, है ना बेटा। तो देखो बेटा अब क्या बच गया हमारा, ये हो गया हमारा ए, और कह रखा है कि इसको अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो मिलता है हमें बी। तो ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड को जब भी आप ऑक्सीडाइज करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि मान लो हमने ले लिया KMnO4H+ से कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा ये CH3C2OH, क्योंकि इसमें क्या होगा सेम कार्बन का एसिड बनता है, तो ये आ गया आपका बी, ठीक है बच्चों। तो बस क्लियर हो गया ये कि क्या था हमारा कंपाउंड, ए था, उसमें क्या रखा था, ये आयरोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इससे आपने कहा कि आयरोफॉर्म टेस्ट देगा तो CH3CO तो होगा ही, तो बाकी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें मिल गया कि एक एक्स्ट्रा एच होना चाहिए, इससे हमने ए को आइडेंटिफाई कर लिया। अब कहा ए पर जब हम HCN रिएक्ट करते हैं तो ये मिलता है हमारा साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड, और साइनोहाइड्रिन में देखो CN है ना, तो CN को जब भी आप हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये बन गया बेटा बी। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है इसमें, तो उसको बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग। ये है हमारा इस बुक का 66 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें देख लेना। इसके अलावा जो मैंने जो है आप लोग को केमिकल टेस्ट के से वीडियो भी अलग से दे रखा है, रीजनिंग क्वेश्चंस के दे रखे हैं, तो उस वीडियो को भी जाकर आप लोग जरूर देखना। और अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, इसमें देखो क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O2। देखो कंपाउंड ए है C5H8O2 इज रिड्यूस टू एन पेंटेन विथ हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विथ NaOH एंड ग्लाइकोल, ठीक है। कह रखा है इस पर जब पहले आप डालते हो हाइड्रोजन NH2 NH2, देन कह रखा है NaOH के साथ अगर ग्लाइकोल डाल देते हैं और हीट कर देते हैं तो मिलता है एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ठीक है बेटा। तो देखो ये रिएजेंट जो है आपके वो वोल्फ किशनर रिएक्शन में यूज होता है, जहां पर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसको वो कोरस्पोंडिंग एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो ये क्लियर हो रहा है कि यहां से कोई एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा जिसको इसने रिड्यूस करके एल्केन किया है। अब देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब कह रखा है ए फॉर्म्स अ डाइऑक्साइन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड गिव्स अ पॉजिटिव
आयरोफॉर्म एंड टॉलिन्स टेस्ट, आइडेंटिफाई ए एंड गिव इट्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कह रखा है कि ये ना डाइऑक्साइड देता है जब हाइड्रोक्सीलामाइन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्सीलामाइन के साथ ऑक्साइम देता है जिसके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ठीक है, और अगर यहां डाइऑक्साइम दे रहा है इसका मतलब इसके पास दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा। ठीक है, अब इस चीज को क्लियर करने के लिए एक और हिंट दे रखा है कि कह रखा है ये कंपाउंड जो है NaOH और I2 के साथ आयरोफॉर्म भी दे रहा है, NaOH प्लस I2 के साथ आयरोफॉर्म भी दे रहा है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो होगा ही होगा। फिर ये भी कह रखा है कि ये टॉलिन्स टेस्ट भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो कि वो एल्डिहाइड होगा, लेकिन एल्डिहाइड होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो 5 कार्बन का है ना, तो यहां तो हाइड्रोजन लग नहीं सकता, इसका मतलब लास्ट में हम CHO लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बहुत सिंपल है, देखो हमने 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब जो बच्चों बचा हुआ है मॉलिक्यूल उसको हम लोग फिट कर देते हैं, तो CH2 CH2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल। अब देखते हैं बेटा कि ये क्या वो सारे के सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस रिएक्शन को फिर से मैं, जैसे कि इसके हमने सोचा कि यही होगा मॉलिक्यूल हमारा, क्योंकि देखो इसमें डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि यहां भी सी डबल बॉन्डो है, यहां भी सी डबल बॉन्डो है, तो ये NH2OH के साथ डाइऑक्साइड दे देगा। अगर इस पर अगर आप NaOH I2 डालते हो, NaOH प्लस I2 डालते हो, तो ये तो CH3 है ही, तो ये आपको CHI3 दे देगा। ठीक है, CHI3 दे देगा। ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, प्लस का आपको पता ही है कि कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, तो मेनली यही चीज है दिखा दिया बेटा। अब इसके अलावा ये भी कह रहा है कि इसमें से अगर टॉलिन्स टेस्ट दोगे तो टॉलिन्स टेस्ट भी दे सकता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इन प्रेजेंस ऑफ OH-। तो इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, जो है हमारा CH3 सी डबल बोन ओ, CH2 CH2, और लास्ट में सी डबल ओ नेगेटिव प्लस सिल्वर मिरर देता है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा इसमें, तो इस तरह से क्या होगा, इसने टॉलिन्स टेस्ट भी दे दिया, क्योंकि CHO है इसलिए टॉलिन्स टेस्ट, और ये पोर्शन है इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट। इससे हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा कंपाउंड ए जो है जिसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे आपके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी दे रखे थे मैंने सारे के सारे, चाहे एल्डिहाइड कीटोन के हो या माइंस के हो, सारा का सारा मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, कुछ और वीडियो आपको चाहिए स्पेशल तो उसके लिए भी कह सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।